नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर आज विपक्ष की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बगैर वीजा पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करने वाली अल्मोरा जिला जेल में बंद पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी महिला फरीदा मल्लिक आज रिहा होगी। दिल्ली में आज से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, जिसके तहत आज फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच आज से 5 घंटे खुलेगी दुकानें, वहीं सरकारी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारी भाग ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर आज फिर होगी सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूर के कोरोना संक्रमित होने के वजह से पिछले बार समय पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने आज दिल्ली बुलाया है, लेकिन खबर है कि वे दिल्ली नहीं आएंगे बल्कि ममता बनर्जी की आज होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन लॉकडाउन व संक्रमण काल में ड्यूटी करने वाले स्टेशन मास्टरों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने के लिए आज से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। आदेश के बाद भी शिक्षकों को वेतन और पेंशन नहीं दिए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को लगाई फटकार। कहा 31 मई तक हर हाल में शिक्षकों को वेतन दें, चाहे उन्हें भीख मांगना पड़े। चीन से तनाव के बीच थल सेना प्रमुख नरवणे बोले, ऊंचाई वाले इलाकों में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पकड़ बनाए हुए है भारतीय फौज। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व यूपी पर फोकस करने में जुटी। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन आज यूपी का लेंगे जायजा। लखनऊ सहित 20 जिलों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, अन्य 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हुआ खत्म, नाइट कर्फ्यू रहेगी जारी। यूपी में एमएसपी पर खरीद का अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल ही गेहूं खरीद योजना बनाई गई। बिहार सरकार ने कोरोना से माता पिता दोनों या किसी एक के गंवाने वाले आश्रितों को 18 वर्ष तक 1500 रुपए प्रति महीना देगी। बिहार के गया में नक्सली के भाई की अपराधियों ने गोली मारकर ली जान, एसपी बोले जमीन का विवाद था। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान अचानक आरा जिले के एसपी के घर पहुंचे, जहां राज्यपाल पहुंचने से पहले ही जिला के डीएम वहां मौजूद थे और दोनों ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में अनलॉक से पहले सभी औद्योगिक क्षेत्रों में पूरा होगा सैनिटाइजेशन, तीनों नगर निगम के महापौर ने संभाला कमान। दिल्ली में दुकानें खोलने की मंजूरी के लिए सरकार को मना रहे हैं व्यापारी, बोले हर शर्त मानने को है तैयार। पंजाब के मंत्री आसू ने दी चेतावनी, कहा पब्लिक परेशान हुई तो निगम अधिकारी को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। हरियाणा सरकार ने की 5 बड़ी घोषणाएं। एक शहरी निकाय में मकान व दुकानों पर वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का आत्मविश्वास जगा है। झारखंड के कोडरमा में स्वास्थ्य केंद्र में नहीं थे एक भी डॉक्टर, दीवार गिरने से घायल 3 साल की बच्ची की गई जान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दी सफाई, बोले मैंने कहा था भारत बदनाम ना हो जाए। महाराष्ट्र के ठाणे में बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 7 लोगों की गई जान, प्रशासन ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर की सायर सामाजिक एवं राजनीतिक शख्सियत डॉक्टर दक्षा अंद्रावी को ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने सबसे प्रेरक महिला के रूप में मानवाधिकार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, चक्रवात व कोरोना संकट के बीच राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी, तो टीएमसी ने किया पलटवार। उड़ीसा में तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है डीपीआर, तूफान और समुद्री लहरों से होगा बचाव।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने माना कि आम आदमी महंगाई के जाल से तंग आ चुके हैं। राजस्थान में पेट्रोल की रेट सबसे ज्यादा 100 रुपए के पार हुई। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद सांघवी का हुआ निधन, उन्होंने अहमदाबाद स्थित अपने आवास पर ली अंतिम सांस। मध्य प्रदेश के उमरिया नरोजाबाद से हुकुम सिंह की रिपोर्ट। नरोजाबाद नगर परिषद द्वारा नगर के प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता अभियान के तहत सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस क्रम में नगर के वार्ड नंबर 1 के खोदरगवा टिकरी टोला कुम्हार दफाई में नालियों की सफाई, नालों की सफाई, सड़क सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के साथ सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। हिमाचल प्रदेश से महेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में आई कमी। 13 मई को जो संख्या 40,006 थी, वे अब 16,989 के आसपास एक्टिव मरीजों की संख्या रह गई है। इसमें करीब 1,000 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी 85% से ज्यादा होम आइसोलेट हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महुआ जिले के सिजहरी गांव के लोगों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों को कोविड के नियमों का पालन करने को भी कहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर लवकुशनगर से हेमंत श्रीवास की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर नगर जनपद पंचायत सभागार में आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया तथा लॉकडाउन को लेकर समीक्षा की गई। सुल्तानपुर के थाना बल्दी राय के बालीपुर चौकी के ग्राम सभा केवटली में सोहन लाल हरिजन की पत्नी को सुबह घर के अंदर सफाई करते समय सांप ने काट लिया, जिसे लेकर परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचे। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो आपको यूपी में नौकरी मिल सकती है। रोजगार का यह अवसर कौशल विकास मिशन गोरखपुर की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए विकास भवन के कौशल विकास मिशन कार्यालय में 1 जून तक आवेदन करना होगा। गर्भावस्था के दौरान कई छोटी छोटी समस्याएं होती है, जिनमें से एक पैरों में ऐठन होना भी है। इससे निजात पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, बल्कि आपको ठंडी सतह पर खड़े होने और एरी के बल खड़े होने से निजात मिल पाएगी। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने खुलासा किया कि उन्हें क्रिकेट से जुड़ी 2 बातों का मलाल हमेशा रहेगा। एक तो विवियन रिचर्ड्स के खिलाफ उन्होंने नहीं खेला और दूसरा सुनील गावस्कर के साथ नहीं खेल पाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने शेयर की अपनी नो मेकअप लुक वाली फोटो। फैंस ने लिए मजे, बोले किरण तुम बूढ़ी हो गई हो। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।